करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मार्च 2024 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बड़ुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.10। व्हाट ए वोलेटिलिटी। आपका एफओएमसी रेट डिसीजंस वेंसडे को था जहां पे डॉलर इंडेक्स फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 104.15 मूव डाउन टू 103.38 एंड क्लोज देयर। एंड कल के दिन में अगेन फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 103.17 इट मूव्ड हाई ऑफ 104.05 एंड क्लोज एट 103.97। दैट मींस वेंसडे एंड थर्सडे का जो अगर नेट एक्शंस देखेंगे इट्स फ्लैट। एंड करेंटली आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में ये और भी ऊपर है एट 104.10। यहाँ पे ये जो जोन है आपका 103.60 एंड 104.30 इस जोन के बाहर प्राइस एक्शंस को निकलना है। कल मॉर्निंग आवर्स में ट्राई किया था नीचे के तरफ कंटिन्यू होने के लिए लेकिन फेल हुआ है। अभी हमें देखना है क्या ये 104.30 से 104.50 का जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे क्या ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आते हैं या हायर ऑर्बिट में जाने का प्रयास करते हैं। जीबीपी डॉलर कल के दिन में बीओई का रेट डिसीजंस था। द बीओई केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट 5.25% एट इट्स मार्च मीटिंग ऑन थर्सडे एज वाइडली एंटिसिपेटेड। उसके बाद जीबीपी में एक मस्त फॉल आया। From an intraday high of 1.2803, it traded low of 1.2650, 1.5 biggie lower, and closed at 1.2658. Currently, it is trading at 1.2647. कल का अगर आप मेरा एनालिसिस देखोगे वहां पे हमने ये डर जताया था ऐसा ना हो RSI 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाए और जो डर सोचा था वैसा ही हुआ, रेंज शिफ्ट कर चुका है। अभी क्या है, अभी के लिए ये जो जोन है अभी आपका जो माइनर सपोर्ट हो सकता है वो है आपका 1.26। ये जो डाउनवर्ड मूव हो रहे हैं इस डाउनवर्ड मूव के बाद क्या जीबीपी डॉलर 1.26 को सपोर्ट करेगा या ब्रेक डाउन करके इट विल मूव टुवर्ड्स 1.2520 ये देखना है। क्योंकि यहाँ पे नाउ आरएसआई इज अप्रोचिंग 40, सो क्या आरएसआई 40 में सपोर्ट लेगा या ब्रेक डाउन करके फर्दर नीचे की तरफ आएगा। जीबीपी आईएनआर में सिमिलर एनालिसिस हमने यहाँ पे आरएसआई का एक डाउट रेज किया था। क्या डाउट कि आरएसआई 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके नीचे ना आ जाए। अगर इसको ऊपर जाना है तो आरएसआई शुड नॉट रेजिस्ट एट 60। और यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 106.70 के आसपास उस रेजिस्टेंस को क्लियर करना चाहिए अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो। बट इट फेल्ड, इट टुक रेजिस्टेंस एट आरएसआई 60 एंड मूव्ड डाउन। करेंटली it is at a support zone of 105.10 से 105.30 के बीच में। अभी हमें ये देखना है क्या इस support zone को that is the CIP पहले का बार बार price negate हो रहा था इस zone पे, क्या इस zone पे ये support लेता है और नीचे की तरफ breakdown करते हैं। यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में भी सिमिलर हमारा ये था कि ये आरएसआई 60 में रेजिस्टेंस ना ले और वही हुआ है, रेजिस्टेंस ले लिया। सो इसका जो ऊपर जाने का जो टेंडेंसिस था अभी हॉल्ट हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे आरएसआई टर्म्स में और भी रूम है। करेंटली 46.93, दैट मीन द केस यूरो डॉलर को 1.08 के तरफ मीन्स जाना चाहिए। इतना तक कोई सपोर्ट्स, मेजर सपोर्ट्स है नहीं।
लेकिन देखना है वही है 1.08 के आसपास क्या यूरो डॉलर सपोर्ट लेते हैं। सिमिलर एनालिसिस यूरो आयरन RSI 62 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, यानी यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है। अभी नीचे की तरफ ये सपोर्ट आपका 90.1020 एंड ऊपर की तरफ 90.90 91.00 रेजिस्टेंस। इसको कौन सा डायरेक्शन में क्लियर ब्रेकआउट करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर येन। कल के दिन में जो हम एनालिसिस किए थे उस टाइम पे ये एक परफेक्ट नेगेटिव कैंडल के साथ था, यानी यहाँ पे आपका ये जो रेजिस्टेंस लाइन है पहले सपोर्ट लाइन था दैट इज द ट्रेंड लाइन, वहां पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। यह आपका ट्रेडेड लो ऑफ 150.26 लेकिन उसके नीचे सस्टेन कर नहीं पाया, रेदर ऊपर की तरफ चला गया। बट नेक्स्ट अभी वही है 151.7580 जो आपका 32 इयर्स का हाई है, उस एरिया पे बीओजे इसको कैसे डील करते हैं। येन आईएनआर हमारा यहाँ पे फिर कल के दिन में मींस बेसिकली बाइंग के लिए हमें डब्ल्यू चाहिए। कल के दिन में जब हम मॉर्निंग में एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम पे एक ग्रीन कैंडल अंडर फॉर्मेशन था, बट दैट वाज नॉट द फर्स्ट बाइंग केस। बाइंग केस के लिए हमें डब्ल्यू चाहिए जो हमें इंतजार करना था, लेकिन ड्यूरिंग द डे ये जो ग्रीन कैंडल टर्न आउट टू बी ए रेड कैंडल, ये एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया। इन्वर्टेड पिन बार का लोकेशन जनरली टॉप में होता है, ये बॉटम पे हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो इन्वर्टेड पिन बार का हाई है इज क्रूशियल। अभी हमें डब्ल्यू का जरूरत नहीं है, हमें बाइंग के लिए इन्वर्टेड पिन बार का और इन्वर्टेड हैमर का हाई के ऊपर दैट मींस 55.25 के ऊपर अगर आवरली बेसिस पे सस्टेन कर जाते हैं, टच एंड गो होना होने से चलेगा नहीं, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए 1 घंटा 2 घंटा। इन सच ए केस यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इस कैंडल का इंपॉर्टेंस है। अभी ये एक ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन जब तक ये हाई नहीं तोड़ते हैं तब तक सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर। डॉलर कैंडी रेंज बाउंड 1.3350 एंड 1.36, उसी के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे थे और कंसोलिडेट करने देते हैं जब तक ये कंसोलिडेशन के बाहर नहीं निकलते हैं। एक बार इस कंसोलिडेशन के बाहर निकलते हैं तो एक ट्रेंडेड मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। $80 में कल के दिन में ये जो रेजिस्टेंस है 0.6650 उसको टच किया, रेस्पेक्ट किया, फिर नीचे की तरफ आ गया। सो इट्स एन इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड पिन बार एट रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की तरफ 0.6650 एंड नीचे की तरफ आपका 0.6450, ये रेंज के अंदर में प्राइस अभी थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट करना चाहिए। लेट प्राइस टू गिव ए क्लियर डायरेक्शन। अभी आते हैं डॉलर सीएनएच। डॉलर सीएनएच में जो रेजिस्टेंस था 7.23 उसके हाई के ऊपर अभी सस्टेन कर रहे हैं, जो डॉलर रुपी को भी प्रेशर में ला रहे हैं। देन इज योर ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड कल के दिन में और एक नेगेटिव कैंडल के साथ प्राइस मूव किया, बैक टू बैक 2 दिन नेगेटिव। आज करेंटली इट इज एट 84.70। So, यहाँ पे जो प्राइस है हमें ये देखना है ऊपर से ये पुल बैक कर रहा है, क्या ये यहाँ इस एरिया के अंदर में सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस बैक करते हैं। ये जो चेंज इन पोलैरिटी पहले रेजिस्टेंस था क्या अभी ये सपोर्ट की तरह काम करता है 83.75 से 84.00। इसके लिए हमें ब्लाइंडली बाई नहीं कर सकते, कैंडल कॉन्फर्मेशन चाहिए। US 10-year treasury 4.26 कल के दिन में ultimately it turned out to be the candle is a doji candle long wick at the lower end, so यहाँ पे price थोड़ा confused है, so हमें थोड़ा और means directional movement के लिए इंतजार करना है। 2-year treasury में अच्छा खासा
एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 4.558, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 4.647 एंड करेंटली एट 4.662. सो दो बैक टू बैक प्राइस रिजेक्शंस, कल के दिन में प्राइस रिजेक्शंस एट अ लोअर एंड एंड वेंसडे को प्राइस रिजेक्शंस एट अ हायर एंड. सो इसका हाई एंड इसका लो बिकम्स ए क्रूशियल लेवल. ये हाई एंड ये लो बिकम्स ए क्रूशियल लेवल. कौन सा डायरेक्शन में पहले ब्रेकआउट करते हैं उसके ऊपर एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी आते हैं डॉलर. डॉलर रुपये अभी काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 83.2425 लेवल्स. क्यों ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? ऑलरेडी चार पांच दिनों से एक बाइंग मोमेंटम था. उसके बाद आपका सीएनएच को देखिए, सीएनएच में काफी प्रेशर है जिसके कारण रुपी में भी एक प्रेशर एक्सपेक्टेड हो रहे हैं. अभी हमारा जो रेंज था नीचे के तरफ 80-240 से 80-260 का सपोर्ट था एंड 80-295 से 83-11 का एक आपका रेजिस्टेंस एंटीसिपेटेड था. अभी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया. कल जब मॉर्निंग में हम प्राइस एक्शन बना रहे थे तब ये एक नेगेटिव कैंडल का था कल के दिन में, बट बाय द एंड ऑफ द डे इट टर्न्ड आउट टू बी ए हैमर और ए पिन बार. अभी उसका जो एनालिसिस था इसके ऊपर स्टॉप लॉस प्राइस शुड कम डाउन टुवर्ड्स 82.60-82.70, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था. लेकिन ये हमारा जो अलर्ट जोन मींस स्टॉप लॉस था, इससे स्टॉप लॉस से ऊपर चला गया है. दैट मीन द केस हमारा जो कैलकुलेशन है ये निगेट हो चुका है. सो अभी हमें नया रेजिस्टेंस जोन ढूंढना है. नया रेजिस्टेंस जोन के लिए हमें ये जोन हमें देखना है. कौन सा जोन है? अभी 83.25 से 83.35 के बीच में एक नया रेजिस्टेंस जोन है. ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन. एंड सपोर्ट जोन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सपोर्ट जोन हो जाएगा ये 82-90 का एक नया सपोर्ट जोन. सो जोन चेंज हो चुका है. अभी हमें प्राइस को देखना है क्या ये 82.25 से 82.35 के बीच में प्राइस कैसे बिहेव करते हैं. नॉट द प्राइस, मेनली द इनविजिबल हैंड्स कैसे एक्टिवेट करते हैं खुद को, वो हमें देखना पड़ेगा. सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स. दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.